नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं टेकी गजेश के एक और फेस एपिसोड में। दोस्तों मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस अभी अपलोड किए जहां पे आपको बताया कि अगर आप आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बहुत सही टाइम है और आप अभी खरीद सकते हैं बिकॉज आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल रहे हैं अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, इवन आपके एप्पल के ऑफिशियल पोर्टल पे, सभी पे आपके लिए काफी बढ़िया डिस्काउंट है। अब उन वीडियोज पे बहुत से लोगों ने कमेंट किया और मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो आईफोन वगैरह है इनमें आपको चार्जर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पे ईयरफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कौन से बैंक पे कितना ऑफर है, एस बी आई के कार्ड पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, एच डी एफ सी पे कितना मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे इस वीडियो में। और साथ में यहाँ पे आईफोन्स के अलावा आपके एप्पल वॉच वगैरह या फिर आपके एयरपॉड प्रो सबके डील्स डिस्क्लोज हो गए हैं, तो वो सब भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए सबसे बढ़िया डील्स कहाँ पे हैं, आईफोन्स पे, एप्पल वॉच पे, एयरपॉड पे और एयरपॉड प्रो वगैरह पे, सब पे। इससे पहले कि बताऊं कि ये डील्स कहाँ पर है, पहले ही बात करते हैं कि ये जो आपको फोन मिलने वाले हैं इनमें आपको चार्जर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर आपने एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा ना तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चार्जर और ये जो वायर्ड ईयरफोन होते हैं यहाँ पे नहीं मिलेंगे। एप्पल ने ऑफिशियल डिस्प्ले कर दिया है कि ये आपको अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, बॉक्स में सिर्फ फोन और नॉर्मल केबल मिलेगी फोन को चार्ज करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप Amazon से खरीदते हैं तो Amazon पे अभी भी स्टॉक पुराना है और आपको वहां पे चार्जर और ईयरफोन यानी जो एप्पल के जो ईयरपॉड होते हैं वायर्ड वाले वो आपको बॉक्स में मिलेंगे, जो कि आपके लिए एक एडेड बेनिफिट हो सकता है। Flipkart के बारे में डिटेल्स क्लैरिटी नहीं है वहां पे है या नहीं है, लेकिन Amazon पे डेफिनेटली आपको चार्जर मिल रहा है। अब इसी के साथ में अगर बात करें बैंक ऑफर्स की तो HDFC का ऑफर है Amazon पे और SBI का ऑफर है Flipkart पे। तो अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं आप तो करीबन 1750 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको। एक कार्ड पे मैक्सिमम डिस्काउंट की जो कैपिंग है वो है 1750 रुपए, मतलब आप चाहे तो एक बार में कार्ड को यूज कर ले चाहे तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन करें, कुल मिला के 1750 रुपए का बेनिफिट होगा आपको एक कार्ड पे। वहीं पर अगर HDFC का डेबिट कार्ड है तो करीबन 1250 रुपए का डिस्काउंट होगा आपको। उसके अलावा SBI में भी मतलब यही है, अगर आपने SBI का कार्ड यूज किया फ्लिपकार्ट पे तो 1750 का मिलेगा डिस्काउंट आपको क्रेडिट कार्ड पे और 1250 का मिलेगा आपको डेबिट कार्ड पे। अब जो भी डील्स मैं आपको बताने वाला हूं वो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर एक्जैक्टली वहां पर क्लिक करें और आप डायरेक्टली डाइवर्ट हो जाएंगे आपके ऑफिशियल पेज पे और आप वहां से डील्स का फायदा उठा सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। टाइम बहुत लिमिटेड रहेगा, आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं, आज सारी 16 है और ये डील जो है 16 और 17 तारीख तक ही मिल पाएंगी, उसके बाद डील्स की प्राइस बदल जाएंगी या फिर प्राइस हो सकता है ये मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो आपको मिले ना, तो आप जल्दी से जाके लिंक में क्लिक करके आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं और ये बहुत सही टाइम है। यहाँ पे आईफोन आप खरीदेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। अब देखिए आईफोन 11 जो है वो आपको एप्पल के ऑफिशियल पोर्टल पर करीबन 55,000 रुपए का मिल रहा है और वहां पर आपको एयरपॉड फ्री मिल रहे हैं और ये बेसिकली जो एयरपॉड है ये एयरपॉड 1 है, वायरलेस वाले नहीं है, मतलब वायरलेस चार्जिंग वाले नहीं है, लेकिन इनकी जो कॉस्ट है ऑफिशियली वो है 15,000 रुपए और 55,000 में से मतलब अगर 15,000 रुपए निकाल दें तो इफेक्टिवली आईफोन 11 आपको मिल रहा है 40,000 रुपए का, जो कि काफी बढ़िया कॉस्ट है। तो अगर आप लेना चाहें तो आप एप्पल के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके दिवाली ऑफर में 17 तारीख के बाद ये इसे खरीद सकते हैं, काफी बढ़िया है। उसके अलावा यहाँ पे एप्पल जो आईफोन 11 है इसका 64GB वेरियंट अमेजोन पे डिस्क्लोज हो गया है विच इज 47,999 रुपीज का और ये अभी प्राइम मेंबर्स के लिए है, सेल चल रही है, अगर आपने नहीं लिया प्राइम मेंबरशिप ले लो, इसका फायदा उठाओ, ये काफी बढ़िया डील है। और इसी के ऊपर आपको HDFC का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा क्रेडिट कार्ड पे 1750 रुपए का डिस्काउंट और डेबिट कार्ड अगर है तो 1250 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा एडिशनल, जो कि कुल मिला के बढ़िया वैल्यू बना देगा इस एक डील को। अब इसी के अलावा यहाँ पे आईफोन 11 128GB भी अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट है 52,999 करीबन 53,000 रुपीज, ये भी एक बढ़िया डील है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हो और एडिशनल डिस्काउंट HDFC कार्ड का भी होगा वो भी लगा लेना तो काफी बढ़िया डील हो जाती है। अब उसके अलावा आप बोलते हो कि मुझे आईफोन 11 चाहिए और साथ में एयरपॉड भी चाहिए तो ये वाली डील भी आपको यहाँ पे अमेजोन पे भी मिल रही है और ये जो डील है ये आपको अमेजोन पे मिल रही है 54,900 रुपए की, जो कि एग्जैक्टली सेम है आपके एप्पल के ऑफिशियल स्टोर के बराबर, तो आप यहां से भी खरीद सकते हो और आप चाहो तो एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से भी खरीद सकते हो, दोनों एग्जैक्टली सेम ही डील है पर आपको यहां पर भी ये मिल रही है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट डील है वो है फ्लिपकार्ट पे और ये है आईफोन SE के लिए, आईफोन SE 64GB आपको मिल रहा है 25,999 रुपए का, तो आप ये खरीद सकते हो, काफी बड़ा डिस्काउंट है और यहां पे कार्ड चलेगा आपका SBI का, तो SBI कार्ड अगर है तो आप 1750 रुपए का मिलेगा डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड पे और 1250 रुपए का डिस्काउंट है आपको यहां पे डेबिट कार्ड पे, तो अगर आपके पास SBI कार्ड है तो आप यहां से फायदा उठा सकते हो और ये काफी अच्छी डील है। आईफोन SE मतलब A13 वायरलेस चिप लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, काफी बढ़िया फोन है, आप इसे खरीद सकते हो। इसी के अलावा आईफोन SE का 128GB वाला वेरिएंट भी यहां पे अवेलेबल है और उसकी कॉस्ट है करीबन 30,999 रुपए करीबन यानी 31,000 रुपए, तो ये भी काफी बढ़िया डील है, अगर आप खरीदना चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, तो काफी लिमिटेड टाइम डील रहेगी, आपको मिलेगा नहीं, जल्दी से जाके आप भी खरीद लो, फायदे में रहोगे। और उसी के अलावा यहां पे आईफोन का नेक्स्ट जो फोन है वो है आईफोन 10R 64GB अवेलेबल है 37,999 रुपए का,
और इसी का अगर आपको 128 GB चाहिए तो वो अवेलेबल है 42,999 का। तो ये भी दोनों काफी बड़े डील्स हैं। अगर आपको iPhone 13 खरीदना है तो आप इनको ले सकते हो। iPhone 11 Pro पे भी एक डील आई हुई है जहां पे आपको Flipkart पे 80,000 रुपए का मिल रहा है iPhone 11 Pro और 64 GB वाला वेरियंट है। हालांकि ये डील मैं नहीं कहूंगा आपको लेने के लिए, बिकॉज इसमें इतना फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि इसी कॉस्ट पे आप iPhone 12 भी लॉन्च हो चुका है तो आपको वो लेना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया है। और अगर फिर भी आप iPhone 11 Pro ही लेना चाहें तो इसका एक डील मैं आपको बताऊंगा आगे वाले पार्ट में, वो आपको इससे ज्यादा कम कॉस्ट में मिलेगा यही सेम फोन, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रुको। अब इसके अलावा एप्पल वॉच में भी आपको यहाँ पे काफी बड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। एप्पल वॉच सीरीज 3 जीपीएस वाली जो कि ऑफिशियली एप्पल बेचता है, वो उसका 38mm वाला जो एडिशन है वो है करीबन 15,000 रुपए का। तो हालांकि ये काफी अच्छा है, लेकिन इसका जो स्क्रीन साइज है थोड़ा छोटा है, तो अगर आप लड़कियों के लिए लेना चाह रहे हैं, गर्ल्स के लिए, तो डेफिनेटली अच्छा है। पर अगर आप जेंट्स के लिए लेना चाहें तो इसी का 44mm वाला एक और ऑप्शन है, वो है 18,000 रुपए का, तो वो आप ले सकते हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि आप ये 18 वाला लें, ज्यादा अच्छा है, स्क्रीन साइज थोड़ी बड़ी होगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसी के अलावा अगर आप एयरपॉड लेना चाहें तो आपको यहाँ पे एयरपॉड भी मिल रहे हैं, और एयरपॉड जो नॉर्मल 1 वाले हैं उसकी जो कॉस्ट है वो है करीबन 10,000 रुपए, तो ये आप यहाँ से खरीद सकते हैं, ये भी काफी बड़ा डील है। और इसी के अलावा अगर आपको एयरपॉड प्रो खरीदना है तो वो भी आपको फ्लिपकार्ट पे 17,999 करीबन 18,000 रुपए का मिल रहा है। पर इससे अच्छी एक और डील है जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। अब देखिए, ये जो मैंने डील बताई ना आपको एक्जैक्टली ये थी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की डील्स, पर इसी के अलावा आपको सेल बडी के थ्रू भी कुछ बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं। अब सेल बडी बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल ही है जहां पे अगर आपको सामान खरीदते हैं एप्पल का तो आपको बढ़िया वारंटी मिलेगी, एक साल की कोई दिक्कत नहीं होगी, और जेन्युइन आपको एप्पल का जो सामान होता है वो सब वहां पे मिलता है। अब देखिए, अगर आप सेल बडी पे खरीदते हैं ना तो आपको सेल बडी पे एयरपॉड प्रो जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे मिल रहा था 17,999 का, वही आपको यहां पर मिल रहा है 16,900 रुपए का, मतलब आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप यहां से खरीद सकते हैं। अब हालांकि फ्लिपकार्ट से आपको SBI के कार्ड पर डिस्काउंट भी मिलेगा एडिशनल, तो आप देख लेना, मतलब आपको बेनिफिट जहां से मिल रहा हो वहां से मिल रहा हो तो बढ़िया है फ्लिपकार्ट से, अदरवाइज आप सेल बडी से यहां पर खरीद सकते हैं। और इसी के अलावा आपको एप्पल iPhone 11 Pro जो कि आपको 80,000 का मिल रहा था फ्लिपकार्ट पे, वही आपको सेल बडी पे 70,000 रुपए का मिल रहा है, यानी 10,000 रुपए का और डिस्काउंट है, तो ये वाली डील यहां ज्यादा चाहिए। और वैसे भी 11 Pro जो है वो 80,000 का लेने का कोई सेंस भी नहीं बनता, बिकॉज अभी 12 लॉन्च हो चुका है और आपको 12 सेम प्राइस में मिल रहा है, वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, तो आप देख लें कौन सा लेना है। पर मेरे हिसाब से आई थिंक 12 ज्यादा बढ़िया है, और या फिर आपको ये सेल बडी का 70,000 रुपए का iPhone 11 Pro भी आप ले सकते हैं। और इसी के अलावा यहां पे आपको सेल बडी पे जो एप्पल की सीरीज 5 वॉच है, एप्पल वॉच है, वो मिल रही है 39,900 रुपए की, जो कि ठीक डील है, मतलब बहुत ऑसम तो नहीं है पर ये भी ठीक है। और इसी के अलावा एप्पल वॉच सीरीज 644 मिल रही है आपको यहाँ पे 40,000 रुपीज की। तो ये दोनों जो लास्ट वाली जो डील बताई मैंने आपको वॉच वाली, ये ठीक है, आप चाहें तो ले सकते हैं, पर उतना कुछ कमाल यहाँ पे नहीं है, पर ये भी एटलीस्ट अगर आप लेना चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए, एक्चुअली ये जो सेल का टाइम चल रहा है ना यहाँ पे, ये सेल इसीलिए आती है ताकि कस्टमर की जेब से पैसा निकाला जाए और बढ़िया से उनको बेवकूफ बना के या कैसे भी करके पैसा मतलब कमाया जाए। अब इसमें आपको समझदारी ये दिखानी है कि अगर आपको कोई चीज की जरूरत है ना, आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है, एक्चुअल जरूरत है, तो आप जाके खरीदो, बढ़िया डिस्काउंट को एंजॉय करो और सस्ते में रेट में चीज भी लेके आओ और आपको बढ़िया फायदा होगा। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है तो ये डिस्काउंट के चक्कर में कुछ भी खरीदने में मत पड़ना, फालतू में पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पैसा सेव करो और जो जरूरत है वो खरीद लो, जरूरत नहीं है तो वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो खैर, ऐसे में ये जो डील्स थी ये काफी बढ़िया है, अगर आप लेना चाहें तो इनको फायदा उठा सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है इन डील्स के बारे में या कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो के लिए बने रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।